सबसे क्लासी, सबसे मैनली एंड बेस्ट जैकेट किसी भी पार्टी या इवेंट में पहनने के लिए है लेदर जैकेट। अब ये तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आपको किस टाइप की लेदर जैकेट खरीदनी चाहिए, लेकिन कैसे खरीदनी चाहिए, कहां से खरीदनी चाहिए, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सैन कालरा एंड टुडेज वीडियो इज लेदर जैकेट बाइंग गाइड। तो अगर सबसे कम पैसों में आपके लिए बेस्ट क्वालिटी की जैकेट खरीदनी है जो आपके लिए सबसे अच्छी सूटेड हो, तो हर पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। एंड टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी, अभी सब्सक्राइब करो फॉर 3 न्यू वीडियोस एवरी वीक। एंड हाँ, नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो मैंने आपको पिछले वाले लेदर जैकेट वीडियो में बताया था कि अगर आप एक असली लेदर की जैकेट खरीदते हो, रियल लेदर, जेन्युइन लेदर खरीदते हो, तो आपको बहुत लंबी चलेगी, 5-6 साल तक आराम से चल जाएगी। लेकिन अगर आप एक फेक लेदर वाली खरीदते हो, फॉल लेदर वाली खरीदते हो, तो वो 2 साल के अंदर अंदर वो उसका ना चिप ऑफ करना शुरू कर जाती है, उसके ऐसे स्किन निकलनी शुरू हो जाती है। लेकिन ऑफकोर्स फेक लेदर वाली सस्ती होती है एंड रियल लेदर वाली थोड़ी सी महंगी तो होती है। दूसरी चीज, लेदर जैकेट का सबसे फेमस स्टाइल या सबसे फेमस शेप जो है वो बाइकर शेप। पिछले 3-4 साल से यही शेप चल रही है और अभी भी यही चल रही है सबसे कॉमन। लेकिन ये सब तो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन खरीदना आपके लिए बेटर है या फिर आपके लिए ऑफलाइन खरीदना बेटर है, और हम दोनों तरीके से शॉपिंग करेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन से शुरू करते हैं, लेकिन इसके अंदर मैं सारे ब्रांड वाले भी लेदर जैकेट्स इंक्लूड करूंगा, फॉर एग्जांपल ज़ारा या H&M, जो कि आप ऑफलाइन जाके खरीद सकते हो, लेकिन ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो मैं इनको ऑनलाइन ब्रांडेड एक अलग कैटेगरी में रख रहा हूं। ऑनलाइन खरीदना ऑब्वियसली सबसे इजी और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल मेथड तो है ही। और अगर आप जैकेट्स मंगवाते हो और आपको पसंद नहीं आई या फिट नहीं आई या कलर अच्छा नहीं लगा वगैरह, तो रिटर्न कर दो, फ्री है सब। तो अब आते हैं ऑनलाइन फेक लेदर वाली जैकेट्स खरीदने। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सस्ते सस्ते में, 1,000-1,500 में भी अवेलेबल हैं। कुछ ब्रांड्स हैं जैसे लेदर रिटेल या फिर हाईलैंडर, इन सबके पास ऐसे बहुत हैं, लेकिन ये सारी बहुत अगली, कुछ कुछ में बहुत झटाक सा कलर होगा या फिर किसी में अजीब तरीके से जिप्स लगी होंगी। तो इसलिए मैं कहूंगा अगर आप 2,000 स्पेंड कर रहे हो तो एक फेक लेदर की इन ब्रांड से लेदर जैकेट पे खर्च मत करो, उससे अच्छा 2,000 के अंदर तो आप बहुत अच्छी सी बॉम्बर जैकेट ले सकते हो, बहुत अच्छी सी डेनिम जैकेट ले सकते हो। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने अमेज़न से एक लेदर रिटेल नाम के ब्रांड की जैकेट ऑर्डर करी, लेदर वाली, एंड ऑनेस्टली इसकी लेदर की क्वालिटी फील करके ही पता चलती है कि उतनी अच्छी नहीं है। प्लस मेरे को दिमाग में पता है कि मैं जैसे इसको हैवी यूज करूंगा, ये 1 साल के अंदर चिप ऑफ हो जाएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये बिल्कुल भी मत लो, आप ये तब ले सकते हो अगर आपके पास बजट कम है और आप इसको खतरनाक तरीके से नहीं पहनोगे, मतलब डेली बेसिस पे नहीं पहनोगे, सिर्फ पार्टीज में थोड़ा सा पहनोगे। फेक वाली लेदर जैकेट्स फास्ट फैशन ब्रांड्स के पास भी अवेलेबल हैं, जो बड़े वाले हैं जैसे कि ज़ारा, H&M, एंड यही कुछ गिने चुने ब्रांड्स हैं जिनके पास ये फेक लेदर वाली जैकेट्स अच्छी शेप में, अच्छी स्टाइल की है। बाकी सब ब्रांड्स में फेक लेदर वाली जैकेट्स एकदम अंकल वाली दिखने वाली है, वो बिल्कुल जैसे स्कूल में मैथ्स के टीचर थे ना, वो जैसी लेदर जैकेट पहन के आते थे बिल्कुल वैसे। लेकिन हाँ, फेक लेदर वाली भी ज़ारा, H&M वगैरह पे बहुत महंगी होती है, 5-6 हज़ार। मेरी ज़ारा वाली ये 6,000 रुपए की आई थी एंड इसका 3-4 साल में ऊपर से लेदर, जो फेक लेदर था, वो निकल के आ गया। अब आ जाते हैं हम रियल लेदर वाली जैकेट पे, जेन्युइन लेदर वाली जैकेट पे। उसमें जो ब्रांडेड वाली होती है ना, वो तो अलग लेवल की कॉस्टली होती है, मतलब 25-30 हज़ार से तो ये शुरू होती है। मेरी फेवरेट वाली एक ब्रांड है, ऑल सेंट्स करके, उस ब्रांड से है, वो 43,000 की है, बहुत सुंदर जैकेट है, लेकिन उसको लेना एक सही फाइनेंशियल डिसीजन किसी भी हालत में नहीं है, चाहे वो कितने ही साल चल जाए। मतलब कोई गिफ्ट कर देगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत तेज हो रहा है। रियल लेदर वाली जो अनब्रांडेड होती है, जिनका कोई ब्रांड नहीं होता, जो लोकली बनती है इंडिया में, उनकी प्राइस रेंज होती है ऑनलाइन अगर आप खरीदो तो 5-10 हज़ार। अभी रियल लेदर होते हुए भी इतने कम में इसलिए मिल जाती है क्योंकि इंडिया में ही बनके इंडिया में ही बिकती है। ऑल्सो इनकी कोई मार्केटिंग की कॉस्ट नहीं होती, ऐसे एड कैंपेन्स नहीं करते, ये इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स नहीं करते, अरे लोकल इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि लोकली लेदर बनाते हैं अभी यही फैक्ट्रीज में आसपास। अब क्वालिटी के हिसाब से प्राइस बहुत अच्छा है मैं मानता हूं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ऑनलाइन अपनी जैकेट्स की ढंग से डिटेल्स नहीं देते, ना कोई ढंग से बताता है कि किस एग्जैक्ट टाइप का लेदर यूज हुआ है, ना कोई ढंग से बताता है कि अंदर की लाइनिंग कैसे होगी, एंड जो ये अमेज़न या किसी और वेबसाइट पे अपनी पिक्चर्स डालते हैं ना, वो भी गूगल से किसी अंग्रेज की उठा के डाल देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि दो डिफरेंट ब्रांड ने जो जैकेट डाली है उनकी इमेज सेम है, सेम गोरे को डाला हुआ है अपने पिक्चर में। तो इसीलिए मैंने 7-8 हज़ार की 2 जैकेट्स चूज करी एंड उनको ऑर्डर किया सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये कैसी निकलेंगी, बहुत बड़ा रिस्क लिया। तो लाइक जरूर कर देना और 5,000 लाइक्स पक्का से करवा देना, इतनी मेहनत कर रहा हूं। तो जो मैंने पहली जैकेट मंगवाई थी वो है एक ब्राउन कलर में कैफे रेसर स्टाइल की जैकेट, मतलब कि जिसका मैंडरिन या चाइनीज कॉलर होता है छोटा वाला। यार इसकी फिटिंग चेस्ट से बहुत गंदी आई है, बहुत फूली फूली आई है क्योंकि इसकी जिप सही तरीके से प्लेस नहीं है। अगर आपकी थोड़ी सी वाइड बॉडी है तो शायद आपके ऊपर ये बेटर लगेगी, लेकिन मेरे ऊपर उतनी अच्छी नहीं लगी। और दूसरी जो मैंने जैकेट मंगवाई वो है ब्लैक बाइकर वाली, ये भी शीप लेदर में है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, इसलिए बहुत अच्छी है, बट इसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी है।
तो ऐसे ही अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करनी है ना, तो कुछ रूल्स ध्यान से दिमाग में रखना अगर आपको बेस्ट वाली ऑर्डर करनी है बेस्ट प्राइस में। अब क्योंकि ऑनलाइन ये लोकल मैन्युफैक्चरर्स की रियल लेदर वाली जैकेट पे अच्छे से साइज चार्ट नहीं दिया होता, सिर्फ इतना लिखा होता है 40 साइज है या 42 साइज है 44, बस सिर्फ इतना लिखा होता है। अगर आप 40 साइज की टी शर्ट या शर्ट जब पहनते हो तो वो फिट होती है एकदम, तो आप लेदर जैकेट ऑर्डर करो 42 साइज की अगर आप दिल्ली में रहते हो, और 40 साइज की अगर आप मुंबई में रहते हो। क्योंकि दिल्ली में जब आप लेदर जैकेट पहनोगे तो आप कभी कभी शायद अंदर हुडी या मोटा स्वेटर भी पहनोगे, इसलिए आपको थोड़ा सा रूम चाहिए अंदर। और अगर आप मुंबई में रहते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा अंदर एक टी शर्ट ही पहनोगे, इसलिए आपको उतने ही साइज की लेदर जैकेट चाहिए। अब क्योंकि लेदर जैकेट आप खुली ही रखने वाले हो, इसलिए कभी ये मत सोचना कि बंद करके टाइट लग रही है तो गलत साइज है। एक्चुअली बंद करके अगर थोड़ी सी टाइट लग रही है तो वो एकदम करेक्ट साइज है। दूसरा रूल है कि उसका जो हार्डवेयर है बेसिकली, उस पर जो भी मेटल लगा हुआ है जिप बटन वगैरह, वो बिल्कुल भी शाइनी नहीं होना चाहिए। तीसरा रूल है, चाहे प्रोडक्ट के नाम में रियल लेदर लिखा हो तब भी एक बार डिस्क्रिप्शन में पक्का से चेक कर लेना कि वो रियल लेदर है या नहीं है। कभी कभी कुछ लोग आपको उल्लू बना देते हैं, ऊपर रियल लेदर लिख के और नीचे फेक लेदर लिख के। अब उसमें अगर रियल लेदर के साथ फुल ग्रेन लेदर भी लिखा हुआ है तो बेस्ट है। एंड अगर ये मेंशन है कि किसके लेदर से बनी है, शीप या गोट या कैमल, तो और भी अच्छा है। उसके डिस्क्रिप्शन में ये भी देखना कि उसकी इनर लाइनिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है। अगर वो स्वेड मटेरियल की है या फिर क्विल्टेड है तो उसका मतलब ये है कि वो जैकेट थोड़ी मोटी होने वाली है। ऑल्सो कुछ प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन में ये भी लिखा होता है कि आपको जैकेट को साफ कैसे करना है, तो वो भी आगे के लिए पढ़ लेना। तो एनीवे अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, जो कि है ऑफलाइन खरीदना। क्या आपके लिए ऑफलाइन खरीदना सही है? यार ऑफलाइन खरीदने का बेसिकली मतलब यह है कि किसी लोकल शॉप से लेना जिसकी कोई वेबसाइट नहीं है या कोई इंस्टाग्राम पेज नहीं है, आप ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते। यार ऐसे ना काफी सिटीज में हब्स होते हैं जहां पे लेदर की पूरी इंडस्ट्री होती है, उसके आसपास लेदर की शॉप्स होती है, वहां पे आपको जैकेट्स भी मिलती हैं, पर्सेस वगैरह भी मिलते हैं, वॉलेट्स भी मिलते हैं। यहां की एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारा रियल लेदर होता है, लेकिन तब भी आपको वो चीज टेस्ट तो करनी ही पड़ेगी वहां पे जाके। तो ऑफलाइन शॉप से कैसे लेना है वो जानने के लिए चलते हैं अब हम दिल्ली की एक लेदर मार्केट में, जो कि है मोहम्मदपुर में। वो जो आजकल हर जगह देखते हैं ना कि तिब्बती मार्केट वगैरह होती है, वहां पे भी वो लेदर बता के रिएक्शन पकड़ा देते हैं, पपड़ी निकल जाती है, वो यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ आपको सस्ती और अच्छी मिलेगी जैसे। ठीक है, और इसमें स्टिचिंग जिप, हाँ स्टिचिंग जिप की गारंटी हमारी होती है, साल भर चेन की और पॉलिश की गारंटी होती है। उसके बाद जब कुछ खराब हो जाए तो सही हो जाता है, मतलब कभी अटके भी फट जाए, किसी की रिपेयरिंग की जैकेट भी रखी हो तो वो भी ठीक कर देते हैं। अच्छा, हाँ वो ठीक हो जाता है। सिर्फ लेदर में खास बात होती है कि वो ठीक हो जाता है। और शीप गोट और कैमल में फर्क क्या होता है? फर्क होता है, शीप ज्यादा सॉफ्टनेस होता है, सबसे सॉफ्ट शीप होता है, फिर गोट आता है, फिर कैमल आता है। बिकने वाले सबसे ज्यादा शीप होता है, कम्फर्टेबल सॉफ्ट, एक जरा से करके ना बिल्कुल सॉफ्ट है, सॉफ्ट होता है कि ना वजन होता है ना कुछ होता है, ये सॉफ्टनेस होता है। कैमल तो ये 10-20 साल चलती है भैया, हाँ इसकी तो फुल गारंटी, हाँ थोड़ी हार्ड होती है, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती शोल्डर, ज़्यादातर ये कोई पहनते ना तो 1-2 घंटे शोल्डर दुखा देती है। अच्छा, तो भारी होती है, हार्ड होती है, हाँ भारी, बेटर होता है, लॉन्ग लाइफ ज़्यादा होती है। और इसमें ये पता कैसे चलेगा कि यही जेन्युइन लेदर, आप गारंटी तो देते? जी जी मैं गारंटी देता हूँ, मैंने इसलिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऊपर से कोई पहचानी होती, नई नई ट्रिक लेकर आते हैं कि जलता नहीं है गलता नहीं है। देखो थोड़ी देर लाइटर कोई भी जलाता है ना तो वो इस तरह जलाता है, वैसे तो मैं जला के दिखाता नहीं हूँ, बस मैं बता रहा हूँ जैसे ये वो ऐसा करते हैं कि जलता है, ऐसे थोड़ी जलता है, ऐसा तो कपड़ा भी नहीं जलने का हमारा, ये सिर्फ पहचान एक ही हुई होती है कि उसके नीचे जो सैंपल लगा होता है, कपड़ा लगा होता है, वो झट जाता है और कपड़ा कपड़ा रह जाता है, लेकिन लेदर में ओरिजिनल लेदर होता है। मान कैसे पता चलेगा? हाँ, कोई आया उसको ये करना है कि असली लेदर है वो कैसे? तो वो हम समझाएंगे, हम दिखा देंगे, इस तरह हटा के दिखा देंगे। बाकी ये जैसे जलाने पर क्या होता है, अगर इसको थोड़ी देर रखेंगे ना तो ये इतनी देर में अगर रिएक्शन होती पिघल जाती तो ये थोड़ा सा सूखड़ जाता, और इसमें देखो चमड़े की बदबू आएगी एक महर, जैसे चमड़ा कोई जलती है ना, जैसे किसी चीज को जलाते हैं जानवर वगैरह, तो उस तरह की बदबू आती है। ठीक है, और जैसे ये वाली है, हाँ ये 4,000 रुपये की कैमल लेदर में, हाँ शीप लेदर में 35। फाइनल क्या भैया देखो दोस्तों, आपकी वीडियो देख आएंगे तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर देंगे। कितना डिस्काउंट देंगे दो बता दो। कर देंगे 5-10% कर देंगे भैया, डिस्काउंट कर देंगे। एक और चीज़ मैं आपसे पूछनी है कि किसी को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके बनानी हो, हाँ तो बन भी जाएगी, अगर कोई अपने डिजाइन लेके बनवाना चाहता है तो बन भी जाएगी। रेडीमेड लोग इंसान के साइज के, हाँ साइज के हिसाब से बनेंगे, उनका परफेक्ट मेजरमेंट ले जाया जाएगा, पैटर्न उनका काटना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा चार्ज ज्यादा होता है। हाँ स्टॉक में बनती तो हमें सस्ती पड़ती है, अगर कस्टमाइज कराओगे तो थोड़ी महंगी पड़ेगी। तो जिस दिन आएंगे कस्टमाइज करवाने के लिए मेजरमेंट वगैरह, मेजरमेंट सारा कुछ लेंगे, आपको दे देंगे। हाँ। फिर कितने दिन बाद वो वापस आएंगे? 4-5 दिन में बना के दे देंगे। 4-5 दिन में आपको वो बना के आप वापस आओगे, आपको मिल जाएगी वापस। एंड कुछ जैकेट जो मैंने यहाँ पे ट्राई करके देखी मेरे को बहुत अच्छी फिटिंग में आई, अगर आपकी बॉडी शेप थोड़ी सी अलग सी है तो आप कस्टमाइज भी करवा सकते हो इनको बोल के। तो ये थे दोनों तरीके, आपके लिए कौन सा सही है उसका एक फाइनल वर्डिक्ट निकालते हैं।
अगर आपकी बॉडी एक मैनिक्विन जैसी बनी है, मतलब मैनिक्विन के ऑलमोस्ट जैसी बनी है, अच्छी शेप है आपकी बॉडी की, तो आप डेफिनेटली ऑनलाइन मंगवाओ घर के आराम से। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा स्किनी हो या फिर थोड़े से ज्यादा चबी हो और आपको चाहिए कि आपकी जैकेट आपको अच्छे से फिट आए, तो आपको ऑफलाइन जाके बनवानी चाहिए। इन दोनों केसेस में एक बजट का कंस्ट्रेंट भी आ सकता है कि आपको 4-5 हज़ार की बजट है तो आप ऑफलाइन जाके रियल लेदर वाली ले लो, और अगर आपकी बजट थोड़ी सी ज्यादा है तो आपको 6-7 हज़ार में ऑनलाइन मिल जाएगी। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपकी बजट बहुत ज्यादा कम है, अगर आपको 2000 में ही चाहिए, तो आप लेदर रिटेल या हाईलैंडर जैसे ब्रांड्स की ले सकते हो, लेकिन उसमें वो अच्छी वाली लुक कभी नहीं आएगी। तो अगेन मैं आपको यही बोलूंगा कि आप वो 2000 की कोई और जैकेट कंसिडर करो, हमारा बॉम्बर जैकेट वाला वीडियो देखो, हमारा डेनिम जैकेट वाला वीडियो देखो यार। एंड हाँ, एक दूसरे की हेल्प करो, कमेंट्स में बताओ कि आपकी सिटी में कौन सी लेदर मार्केट है ताकि आपकी सिटी वाले लोग वहां जा पाए। एंड अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिव अवे पे। इस वीडियो में भी 7000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं गिव अवे करूंगा 2000 रुपीज का ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर किसी एक लकी सब्सक्राइबर को। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सब्सक्राइबर तो होना ही पड़ेगा, साथ में इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट्स में बताओ कि आपकी सिटी के आसपास कौन सी लेदर मार्केट है। तो गिव अवे के लिए ऑल द बेस्ट, लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।